अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, आपके बाद भी ठीक ठाक होंगे। मैं नजमुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं गुलशन दारा एग्रीकल्चर। तो आज मैं आपको अपनी एग्जीबिशन ज़्यादा पिंच की प्रोग्रेस चेक करूँगा, कदमों की प्रोग्रेस। ये मुझे बनाए हुए तकरीबन 2 हफ्ते हुए, ये मैंने नई बनाई थी, इसकी मैंने बनाते हुए की वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। ये 16 अक्टूबर को मैंने इनको बॉक्स वगैरह लगाए थे, तो आज चेक करते हैं कि इन्होंने क्या किया। भाई पहले डब्बे से शुरू करते हैं। माशाल्लाह से इसमें 4 अंडे दिए हुए हैं और ये भी खाली है अभी, और ये माशाल्लाह से इसने भी 3 अंडे दिए हुए हैं। ये मैं इंटर हुआ तो ये डर गए, इसकी वजह से इन्होंने अपने अंडे इधर उधर कर दिए हैं थोड़े से। मैं इनको सेट कर देता हूँ, ये देखिए ये 3 अंडे इसमें, और इसमें भी मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इसको उतारना बड़ा मुश्किल है। मैं लगाया इसी तरह से हुआ, चलो आगे देखते हैं। माशाल्लाह से इसमें भी 1 ही अंडा नज़र आ रहा है फिलहाल तो। ये भी खाली है, इसमें भी कुछ नहीं है, और ये माशाल्लाह इसमें भी 4 अंडे दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 बॉक्स में ब्रीड आएगी, तो 3 बॉक्स जो अभी ऐसे खाली पड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इनमें भी 1-2 दिन तक आ जाएंगे। तो ये मेरी फिंचिंग डरती बड़ी है। बेसिकली मैंने ये जो कॉलोनी बनाई है ये बनाई थी मैंने वाइट जावा के लिए, तो फिलहाल मैंने इनको छोड़ दिया क्योंकि ये मेरे पास पड़े थे, तो इनको मैंने अभी फ़िलहाल इधर शिफ्ट किया था। मैंने कहा अभी तो वो मेरे पास आए नहीं, इंशाल्लाह ताला 2-3 माह तक वो भी आ जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला अगले साल उनको मैं ब्रीड करवाऊँगा जावा पिंच को, क्योंकि मैं उनके पट्टे लूँगा इंशाल्लाह ताला, तकरीबन 10 के पेड़ लगाऊँगा उनके लिए जावा पिंच के, वाइट जावा के। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने कहा अभी इनको बना के तो इनको इसमें शिफ्ट करते हैं, तो इनसे ब्रीड लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी, इन्होंने 2 ही हफ्ते हुए हैं इन्होंने इसमें एडजस्ट होकर, इन्होंने अंडे भी दे दिए। तो बाकी जो 3 डब्बे उनमें भी इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। टोटल वैसे ये 6 पेयर हैं, तो इसमें एक बंग्लादेश का पीस भी छोड़ा हुआ है। ये मैंने उधर अपने बंग्लादेश की जो मैंने वो की थी 1/1 पेयर लगाए हुए हैं मैंने वो गोल्डियंस के लिए ना, तो ये पीस सिंगल बच गया था तो मेरे पास जगह नहीं थी, इसको मैंने चिकन उन्हीं में छोड़ दिया। तो वैसे इसने तंग तो नहीं किया, अंडे शंडे को तंग नहीं किया, छेड़ा नहीं है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो मेरी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो जो न्यू अपडेट है आए तो आपको आसानी मिल सके। शुक्रिया, जजाक अल्लाह।